स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे सुपर डुपर हिट सॉन्ग मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी द्वारा गाया हुआ बहुत ही एवरग्रीन हिट सॉन्ग है। और इस सॉन्ग को सीखेंगे हम, कोशिश रहेगी बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊं। इसका नोटेशन भी आपको मिलेगा और इसका इंट्रो म्यूज़िक भी और स्थाई के बाद वाला म्यूज़िक भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँ ताकि बिगनर्स भी इसको आसानी से कर पाएँ। आइएगा शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के लेसन हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करें। आइएगा शुरू करते हैं और देखिएगा, स्केल हमने रखा है पहला काला, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स की फरमाइश यही रहती है कि सर पहले काले से सिखाया जाए। वैसे इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो एफ शार्प है, तीसरा काला। यहाँ से ओरिजिनल गाया गया है जो सॉन्ग ये लता जी द्वारा, वो इस स्केल से गाया गया है और हम बना रहे हैं इसको पहले काले से ताकि बिगिनर्स को आसानी रहे। ठीक है, अब देख लीजिएगा स्वर इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं। सा हमारा ये है, सा रे गा, और दोनों मा का अल्प यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो राग है इसको आप प्योर तो नहीं कह सकते लेकिन मिश्र शिवरंजनी कह सकते हैं। शिवरंजनी को बेस रख करके ये धुन कंपोज की गई है। ठीक है, तो शिवरंजनी का बेस है तो इसलिए इसमें अब देखेगा, वैसे तो मोस्टली सारे गा पा धा सा यही रूट है लेकिन क्योंकि लाइट म्यूजिक में मिश्रण हो जाता है स्वरों का तो इसमें दोनों मा का यूज होगा। ठीक है, धा नी का कर्ण स्वर यूज हुआ है। ठीक है, और मंद्र सप्तक में आप देख लीजिए आपका शुद्ध नी धा और पा ये स्वर यूज होगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टार्टिंग म्यूजिक से शुरू करते हैं जो इसका इंट्रो म्यूजिक है। ठीक है, देखिएगा पहले एक बार मैं बजा के दिखाता हूं आपको। पहला पार्ट ये है, फिर दूसरा पोर्शन इसी इसके बाद आता है, ये है इंट्रो म्यूजिक। ठीक है, तो आइएगा पहला पोर्शन देखेंगे। अब इसको आप यहां पर बजा लें या यहां पर बजा लें, प्लग पार्ट से बजा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैं आपको समझाता हूं इसका नाम मुझे। सा 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 सा, पहले चार बार सा है, सा 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 सा, रे गा 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 रे, रे गा 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 रे, रे गा 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 रे, चार बार फिर गाएगा, रे गा 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 रे, सा 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 सा, रे गा 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 रे। ठीक है, सा 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 सा, रे गा 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 रे, रे गा 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 रे। ठीक है, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन इसी का, दूसरा ये है, सा सा सा, रे गा
गा सा रे धा रे सा। सा सा सा, फिर ये तीन बार आएगा, पहले चार बार था अब तीन बार दूसरी बार में। सा 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 रे गा गा रे गा गा सा रे धा रे सा। ठीक है, तो दोनों पोर्शन मिलाने के हुए ठीक है। अब उसके बाद फिर फ्लूट वाला एक पार्ट शुरू होता है और वो पार्ट है इतना पार्ट है सिर्फ। ठीक है, अब ये पा धा सा तार सप्तक का सा और रे, एक बार स्लो में देख लीजिए फिर नोटेशन बताता हूं। इतना ये फ्लूट का पार्ट है। अब उसके बाद फिर प्लक का पार्ट है दोबारा और वो है सा पा पा धा सा पा पा धा पा गा धा पा गा रे सा। यहां से आपका गाना शुरू होता है, अब देखेगा गाना। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, ये है। अब ये मंत्र सप्तक के पास से शुरू होगा। मिलती है, अब इतना देख लीजिए पहले, मिलती है रे, मिलती है जिंदगी में रे सा 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 निधा, जिंदगी में मिलती है जिंदगी में पागा गारे रे रे सा 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 निधा, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत मोहब्बत कभी कभी, मोहब्बत मोहब्बत पापा खासा कभी कभी, धा धा गा गा रे कभी कभी, धा धा गा गा रे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऊपर की लाइन आती है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, फिर ये लाइन आती है। अब ये पा से शुरू होगी, सा रे गा मा पा। मिलती है जिंदगी में मिलती है जिंदगी में, अब ये है पा पा पा, पहले तीन बार पा सिंगल आएगा। पा 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 मिलती है जिंदगी में पा मा मा धामा पा मा मा धामा, जिंदगी में पा मा मा धामा। अभी जब ये धा पा मा मा धामा धा के साथ हम नी का कण यूज करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मिलती है जिंदगी में पा
मामा मिलती है जिंदगी में मोहब्बत मोहब्बत मामा गासा मोहब्बत मामा गासा मोहब्बत कभी 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 सासा गगरे कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। उसके बाद फिर सेकंड लाइन आती है, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। अब ये जो लाइन है, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, ये सेम आप उस तरह से बजाएंगे जैसे आपने पहली लाइन बजाई है, मिलती है जिंदगी में मिलती है, इस तरह से। तो आप ये लाइन भी ऐसे बजाएंगे। अब इसके बाद आता है स्थाई के बाद वाला म्यूजिक। अब म्यूजिक देखेगा, पहले ये प्लक पार्ट है, अब ये प्लक पार्ट देखिए, पहले आधा देखिएगा, साधा साधा पाधा पागा रे गा पा साधा साधा पाधा पागा रे गा पा। ठीक है, उसके बाद आधा दा पा दा पा गा पा गा सा धा गा सा। ठीक है, ये हुआ प्लक पार्ट। अब इसके बाद फिर एक बेल टाइप की टोन है, उसका पार्ट है, अब वो देखेगा किस तरह से। इतना पार्ट है, देखिएगा। ये है गारे 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 सा धा पा, पहला पोर्शन गारे 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 सा धा पा गारे 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 सा, पहले इतना गारे 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 सा धा पा गारे 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 सा। ठीक है, अब ये दो बार बजता है इतना पार्ट। अब जब दो बार बजता है तो पहली बार आधा तो सेम रहेगा और बाद का आधा जो है वो चेंज होगा। अब देखिए दूसरी बार जब बजेगा तो पहला आधा तो सेम आएगा, इतना सेम आएगा, और दूसरी बार जो आएगा फिर ये ऐड होगा उसमें, तो दूसरी बार वाला जो होगा ये आएगा साथ में। ठीक है, तो आधा तो सेम हो गया, अब आधा जो बाद वाला वो देख लीजिए, गारे 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 सारे गा पा गा धा पा गारे 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 सारे गा पा गा धा पा गारे 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 सारे गा पा गा धा पा। ठीक है, तो बाद वाला पोर्शन बजा करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका अंतरा शुरू होगा, आप अंतरा देखिएगा जो अंतरा है। खुलते नहीं है रोज दरीचे बाहर के, ये अंतरा। अब अंतरा पास से शुरू होगा, खुलते नहीं है रोज। अब यहां पर तीव्र मा का यूज हुआ है, पापा मा गा रे गा पा खुलते नहीं है रोज पापा मा गा रे गा पा दरीचे बाहर के।
दरीचे चे। अब यहाँ पर भी नी का कर्ण यूज करेंगे। दरीचे बाहर के ये इस तरह से फिर इतना पोर्शन लेते हुए हम रे तक वापस आ जाएंगे। खुलते नहीं है रोज दरीचे बाहर के। ठीक है, अब ये पामा पंगरे ये है लास्ट जो है इसका। दरीचे बाहर के। ठीक है, उसके बाद फिर ये रिपीट होगी। खुलते नहीं है रोज, ये आधी तो सेम रहेगी। उसके बाद दरीचे बाहर के, दरीचे बाहर के, दरीचे बाहर के, पापा मामा रे मामा गा, पापा मामा रे मामा गा, दरीचे बाहर के, दरीचे बाहर के। फिर रे सा सा पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, आरती है जाने मन ये कयामत कभी कभी। अब ये जो लाइन है, आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी, ये सेम आप उस तरीके से बजाएंगे जो आपने पहली लाइन बजाई है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और ये आपका इतना स्थाई और इंट्रो म्यूजिक और पहले अंतरे का म्यूजिक इतना आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी अंतर इसके सब सेम है। अगर पूरा गाना भी आप बजाना चाहेंगे तो आप इसी तरह से पूरा गाना बजा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कीजिए आप इस सॉन्ग की प्रैक्टिस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।